एक आदमी बड़ा अशांत मेरे पास आया, बोले जो स्वामी कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा काहे का, बोले शांति नहीं है। हमने कहा शांति नहीं है, क्या बात है, घर वाली से नहीं बनती? बोले बहुत अच्छी हो तो। मैंने कहा बच्चे नालायक हो गए? बोले नहीं नहीं सब आज्ञाकारी है। मैंने कहा कि दुकान धंधा? बोले वो भी ठीक चल रहा है। घर द्वार साधन प्रसाधन? बोले महाराज प्रभु की बड़ी कृपा है, सब कुछ है लेकिन ध्यान से सुनो। शांति बहन जी के लिए हम भी बाबा बन गए, कहीं तो मिल जाओ बहन जी, नहीं मिलती है। ये ब्राह्मण और दुनिया भर के अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि जय घोष के बाद तीन बार बहन जी का नाम लेते हैं। शांति शांति, अरे कहां बैठी हो शांति, बड़ी प्रॉब्लम है। ओम शांति शांति शांति। शांति मीन्स गॉड। शांतम शाश्वतम प्रमेह मनगम निर्माण शांति प्रदम। अगर कोई शांति शांत स्वरूप है संसार में अविचल सागर की तरह तो केवल नारायण ही है ना। तो सब कुछ करने के बाद नारायण का परमात्मा का ब्रह्म का जो एक नाम है शांति, शांति उसी को मिलेगी जो राम का होगा। और जो नहीं राम का फिर वो नहीं किसी। शांति चाहते हो, राइट डाउन लिखो। पहला सत्संग, लेकिन साधो नहीं सर्वत्र, शैले शैल माणिक्यम। ये पन्ना पोखराज मूंगा हीरा ये पहाड़ों में ही होते हैं, पत्थरों में होते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है, यहां कोयला भी होता है, होता है कि नहीं, और हीरा भी होता है। कोई है दूसरा प्रांत ढूंढ के देखो। श्री राम जय राम। हाँ ये बात और है कि किसी और प्रांत में होता वो यहां ना होता हो, जैसे मेरे प्रांत में गंगा जी हैं, तुम्हारे यहां श्री राम जय राम। वो तो हम लोग चल के आते हैं, गंगा तुम्हारे दरवाजे पर चल के आती है। शैले शैले माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गले। ये गजमुक्ता हाथी में मुक्ता मणि होती है लेकिन हर में नहीं। चंदनम मल्लागिर चंदन न बने बने साधो नहीं सर्वत्र, साधु सबको बोले बिना हर कृपा मिले नहीं, नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, साधो नहीं सर्वत्र। और बड़े भाग पाइए सतसंगा। सुनो सतसंगत दुर्लभ संसारा। इन सब चीजों ने ये कहा कि संत और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सत्संग आजकल, सत्संग पाना सत्संग सुनना इजी है आसान है कि मुश्किल है, बोलो? आसान। अरे साहब कभी नहीं हुआ था ऐसा जो 20 साल से हुआ है। उस सत्संग हॉल का नाम है टेलीविजन, चैनल ऑन, प्रवचन शुरू, और फिर च्वाइस है, ये बाबा ठीक नहीं ले रहा है तो दूसरा बटन, दूसरा बाबा खट से, ये भी अच्छा नहीं है तो तीसरा चौथा। इतना सुलभ हो गया है। यहां पर तो आप जरा सा उठपुट बैठेंगे तो हम डांट देंगे, लेकिन वो जो टेलीविजन वाले बाबा जी स्वामी जी कथावाचक जी है ना, टेलीविजन वाले कथा बेचक जी, वो नहीं डालते गए। पलंग पर बैठिए, पराठा खाते रहिए, कथा सुनते रहिए, चाय पीते रहिए, कथा सुनते रहिए, अगरबत्ती जलाते रहिए, कथा
नो ऑब्जेक्शन। इतना सुलभ हो गया है सत्संग, लेकिन झांकी पार के देखो कि हम कितने खोखले हुए हैं। इन कथाओं का क्या प्रभाव पड़ा हमारे हमारे बच्चों पर, हमारे बेटे बेटियों पर, हमारे युवाओं पर? शायद इसलिए भी नहीं पड़ा होगा क्योंकि सत्संग और ज्ञान इसका भी व्यापारीकरण हो गया। पहले तय होता है कि जैसे नाचने वाली किया करती थी ना, सट्टा, इतना पैसा मिलेगा काम आई। मेरे इस प्रवचन को चैनल के माध्यम से विद्वान लोग भी सुनेंगे और उनको मैं बहुत खराब लगूंगा, लेकिन कृपा करके आप सुनिए। रामायण में लिखा है बेचही वेद धर्म दुहि लेगी, वेद पुराणों की कथा बिकने लगेगी, धर्म का दोहन होगा। तो जब धर्म गुरु अपना प्रवचन अपना आशीर्वाद बेचेगा तो सुनने वाले को क्या मिलेगा? एक बार एक बुढ़िया माई गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंची और कहा कि महाराज जी इसको फोड़ा हो गया है और फोड़ा में डॉक्टर ने गुड़ खाना मना किया है, ये मानता नहीं है, आप आशीर्वाद दो इसको कहो। तो नानक जी ने कहा कि ठीक है माता, ऐसा करना कि तुम परसों ले आना। परसों वो अपने बच्चे को लेकर के आई, बाबा ने प्यार किया, कहा कि बेटा तेरे को फोड़ा हो गया? बोले हाँ बाबा। बोले फोड़ा में तो गुड़ नहीं खाना चाहिए, आज से जब तक तुम ठीक नहीं होते हो तब तक गुड़ खाना बंद कर दो। बोलो खाओगे क्या? बोले नहीं बाबा, आज से और अभी से मैंने गुड़ छोड़ दिया, खत्म। बुढ़िया ने बोली कि बाबा अगर इतना ही कहना था तो परसों क्यों नहीं कहा, 3 किलोमीटर चल करके आई हूं मैं। बोले माता परसों तक गुड़ मैं भी खाता था, परसों तक मैं भी गुड़ खाता था और मैं गुड़ खाने वाला गुड़ छोड़ने की उपदेश देता तो इस बच्चे पर प्रभाव नहीं होता, इसलिए पहले मैंने गुड़ छोड़ा है। और फिर कहा है मजा लिए ना माने मेरी बात, कुछ ऐसी जिंदगी हम लोगों की हो गई है। बुलाने वाले भी सौदेबाज हैं, आने वाले भी सौदेबाज हैं, शायद हो सकता कि सौदेबाजी का कुछ कारण भी हो। बुलाते हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, चलते टाइम कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारी संस्था तो बहुत गरीब है, ये जिंदगी हो गई हम लोग को देखते ही, हमारे साथ तो बहुत ही हुआ, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, बड़े मजे में है, हवाई जहाजों में घूमते हैं, कार में नहीं कारों में घूमते हैं, शाही जिंदगी है। तो हम नहीं मानते, हमारे रामायण जी साक्षी हैं, हम कभी अपना प्रवचन तय करके नहीं जाते हैं, कभी नहीं। जो तुम्हारा भाव है तुम दक्षिणा देना चाहते हो दे दो, 10-20 हजार चाहिए तो बताओ, कम पड़ गया तो हमसे ले लो, 4-4 जेब रखता हूं, लेने के लिए भी और देने के लिए भी। अरे कहां दे रहे हो तुम, कोई नाच गाने में दे रहे हो क्या? आप यज्ञ में दे रहे हैं, राम कथा में दे रहे हैं, अच्छी जगह दे रहे हो ना, दो दो दो। और नहीं दोगे, एक भिखारी मोहल्ले में आया, खप्पर लेकर के दियतम। अरे भैया दे दो, कुछ तो दे दो, हमने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया, आज भिखमंगा होकर दर बदर मांग रहा हूं, तुम मुझे इसलिए दे दो ताकि तुम्हें भी दर बदर मांगना न पड़े, इसलिए दो। हमारे यहां दान लीला, हाय हाय हाय, घायल पड़ा हुआ करण के पास कृष्ण पहुंचे सन्यासी का रूप लेकर के, बोले राजन तुम बड़े दान दे रहे हो, कुछ तो दे दो। बोले मेरे पास सब कुछ नहीं है। बोले सोना है तेरे पास दांत में,
उन्होंने बाण से निकाल कर मरते मरते उस दानवीर ने दान देकर मरा। हरिश्चंद, ताम्रध्वज, मोरध्वज, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं लाले, ये दानवीरों के नाम ले रहा हूं मैं। लौटिए, पहला सहज सत्संग, जल्दी बोलो क्या, लेकिन दुर्लभ सत्संग दुर्लभ है, जिनकी कथनी और करनी एक हो। साधकों को ऐसे सत्संग की भी अब तो आज के 50 साल पहले सत्संग होता था, अभी भी लोग हैं, हमारे वेदांत सम्मेलन होते हैं और उसमें ढोलक तबला हारमोनिया नहीं चलता, केवल वैचारिक युद्ध होता है। और हम भी नहीं रखते थे, ताली बजा के काम चला लेते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, नाचे गावे तूड़े तान ताकि दुनिया राखे।